हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुनीता शर्मा, मन की बातें मन के काम। फ्रेंड, आज मैं बात करने वाली हूँ मन की बातें मन के काम में एक ऐसे शख्स के बारे में जिनकी मैं दिल से बहुत बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। जो लड़कियाँ सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं और फिर भी सब कुछ मिलने के बाद भी उनका रोना पीटना शुरू रहता है कि हमें ये नहीं हुआ, हमें वो नहीं हुआ, और हार जाती है, थक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, दूसरों को ब्लेम करती रहती हैं, दूसरों को गालियाँ देती रहती हैं, उन सब के लिए शायद एक ये मोटिवेशनल स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनके बारे में बता रही हूँ। मैं जहाँ रहती थी ग्वालियर में, वहाँ पर मेरे सामने वो शादी होके आई थी, और मुझे आज भी याद है, जब वो शादी होके आई थी तब हमारे घर में शादी थी। जहाँ से वो शादी होके आई थी, बहुत बड़े शहर से आई थी, पंजाब से, हमारे मोहल्ले में नई नई शादी होके आई थी, उस समय हमारे घर में शादी थी। तो मुझे बोला गया कि सामने वो नई बहू आई है, उनको लेके आओ। तो मैं बहुत खुशी खुशी उनको लेने गई, जब मैं शायद 10th या 11th में पढ़ती थी। जब मैं उनको लेने गई तो मैं उनको देख के हैरान रह गई। दो कमरों का घर था, ना कोई व्यवस्था थी, ना कुछ भी नहीं था, और घर को उन्होंने इतने सलीके से सजाया हुआ था कि देखते ही बनता था। वो अपने हर काम में बहुत होशियार थी, मतलब ऐसा कोई काम नहीं था जो उन्हें ना आता हो। और जब मैं उन्हें लेने गई तो हमारे घर आई वो, और आकर बैठी तो हमारे घर में शादी का माहौल था, तो सभी लेडीज़ों ने जब उनको देखा तो बोले किसकी बहू है, जैसे बताया गया कि ये उनकी बहू है। तो देखते से ही हमारा थोड़ा सा गांव जैसा माहौल था, तो सबको देखते से ही बोला, अरे तुम्हारी नाक नहीं छिदी है, हमारे यहाँ फेरे नहीं लेते, नाक नहीं छिदी होती। तो उन्होंने किसी से कोई बहस नहीं करी, किसी से कोई बातचीत नहीं करी, मुझे आज भी याद है। और दूसरे दिन जब वो आई तो उनकी नाक छिदी हुई थी, और काफ़ी नाक में कुछ बड़ा सा पहना हुआ था उनने। मैं उनका देख के हैरान रह गई, तो उन्होंने कोई बहस नहीं करी, जैसा देश वैसा भेस उन्होंने अपनाया, जिस माहौल में वो आई उस माहौल को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। और वो फिर उनकी जो जर्नी शुरू हुई, उनके घर में दो कमरे थे, दो कमरों के अंदर ही एक छोटा सा किचन था। घर में कच्चा पक्का कह सकती हूँ, एकदम पक्का भी नहीं कह सकती, एकदम कच्चा भी नहीं कह सकती। घर से 10-15 फुट की दूरी पर उनके यहाँ लेटरिन थी, जो चारों तरफ से पट्टियाँ लगा रखी थी, जिसमें ऊपर छत नहीं थी, सामने दरवाजा नहीं था, एक पल्ला लगा रखा था। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था, मैं अपने छत पर से कई बार देखती थी, वो जाती थी जब सुबह सुबह और शाम को, पर मैं उनको देख के हैरान रहती थी कि कितनी सुंदर है, कितनी प्यारा व्यक्तित्व है इनका। एक हमेशा उनके चेहरे पे स्माइल रहती थी, इतना गंभीर और धीर उनका व्यक्तित्व था, पढ़ी लिखी थी वो बहुत ज़्यादा। और मैं जब तक जैसे जैसे मेरी जर्नी शुरू थी, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनके बराबर के दो देवर थे, उनके हस्बैंड थे, तो उन्होंने जैसे जैसे जर्नी, घर तो इतना सुंदर रखती थी, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, मैंने कभी नहीं सुना कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा या किसी को कुछ चीज़ बातचीत हुई हो। सब में सबके घरों में होती है, लेकिन उनके घरों में कुछ भी ऐसा नहीं था। तो ये सब उनकी चीज़ें थी उनके घर यहाँ पर। और फिर जैसे जैसे होते गए, तो मैंने कई बार उनसे बात करती थी और उनसे पूछती थी कि चाची जी, आप इतना शांत कैसे रहते हो। मैं चाची बोलती थी उन्हें, पर वो मेरी अच्छी फ्रेंड भी थी। आप इतना कैसे सब कुछ ऐसे कैसे मैनेज करते हो? तो मुझे एक ही चीज़ समझाती थी कि सुनीता, ये सब किस्मत है, ये सब तकदीर है। मैं कहाँ पंजाब से और कहाँ ये छोटे से शहर में आई हूँ, तो सब मेरी किस्मत लेके आई है। ऐसा नहीं था कि उनके मायके में कोई कमी, बहुत संपन्न मायका था उनका, और बहुत ही सब पढ़े लिखे लोग थे उनके घर में। लेकिन जब वो रिश्ता किसी ने बताया तो उनकी शादी हो गई यहाँ पर। और जब बस जैसे जैसे उनकी जर्नी बढ़ती गई, उनके दो बेटे हुए, दोनों बेटों को उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया, खुद पढ़ाती थी, खुद सफ़र धीरे धीरे वो चलती गई। लेकिन मैं उनके जो व्यक्तित्व की तारीफ कर रही हूँ ना, मैंने उनका स्ट्रगल देखा है, मैंने उनको वो टाइम देखा, और हमेशा वन सबर कर रहना, कभी किसी से कोई शिकायत ही नहीं सुनी यार मैंने। मतलब मैं हेड से उपयोग करती हूँ चाची जी को, कि चाची जी आप जो, आपकी मैं दिल से इज्जत करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। तो ये आज के मैंने, फिर उन्होंने जब बच्चों को पढ़ाया धीरे धीरे, आज नया घर भी बना उनका वहीं पर। उसके बाद मैं कम से कम 20 साल से उनसे नहीं मिली हूँ, अब मेरी फ़ोन पर बातचीत होती है उनसे। आज भी वही प्यारा सा व्यक्तित्व है उनका, वही शांत। आज वो स्कूल में पढ़ाती हैं, दोनों बेटों को पढ़ा लिखा लिया, शादियाँ कर ली, बच्चे उनके कैनेडा में शिफ्ट हो गए हैं। पर आज भी जो उनका व्यक्तित्व है ना, जो उनकी वो छाप थी, उस समय का जो स्ट्रगल था, वो मेरे मन और दिल और दिमाग पर कहीं ना कहीं बहुत गहरी छाप थी उनकी। तो ये मैं हमेशा उनसे कहती हूँ, उन लड़कियों से कहती हूँ जो परेशान हो जाती हैं, जो हमेशा डर जाती है, विपरीत परिस्थिति फेस करिए, जैसी भी परिस्थिति फेस करिए, अपने लिए करिए, कुछ बन के दिखाइए, कुछ करिए, मेहनत करिए। किसी को लड़ने से, किसी को ब्लेम करने से, किसी को कोसने से आपकी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो जाएंगी। अपनी परिस्थितियाँ, अपने पैरों पर खड़ा होइए, अपने खुद के लिए कुछ करिए, हमेशा करते रहिए। और किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से कोई शिकायतें करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। चाची जी हमेशा कहती थी कि सुनीता, हर औरत के अंदर एक लड़की हमेशा जिंदा रहती है,
जो हवा में उड़ना चाहती है, जिसके पंख होते हैं, जो बहुत सारे सपने देखती है, लेकिन जब हकीकत में जब कुछ होता है तो कुछ और ही होता है। तो हकीकत को एक्सेप्ट करा उनने और धीरे धीरे करके उन्होंने उस घर को स्वर्ग बना दिया। देवरों की शादियां हो गई, सब अपने अपने सेट हो गए, लेकिन जो चाची जी ने जो किया ना, कसम से मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। तो उनका जो स्ट्रगल था बहुत 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 ज़्यादा था, जिनके लिए मेरा ही शायद वीडियो बनाना कम पड़ जाए। लेकिन आज मैं उनसे हमेशा हर लड़की से सबसे यही कहना चाहती हूँ कि भाई आप किसी को ब्लेम मत करिए, अपनी परिस्थितियों से लड़िए, उनको संवारिए। किसी को हम ब्लेम करने से हम सही नहीं हो जाते। उन्होंने कभी किसी को कोई उंगली उठाई ही नहीं। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और आज से मैं ये नया शुरू कर रही हूँ कि सबकी किसी न किसी की कोई ना कोई हमारे आसपास ही बहुत सारी कहानियाँ हमें मिल जाती हैं, हमें दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब हम आसपास हमारे कुछ बहुत कुछ है ना, जिसको मैं लाना चाहती हूँ धीरे धीरे करके, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपके पास कोई ऐसी एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसी बात हो जो मुझे शेयर करिए, मुझे बताइए, मैं आगे सबके रखूँगी। तो मैं आज का ये मेरा वीडियो चाची जी के लिए स्पेशली था, उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और उनकी जो जर्नी थी बहुत ही बहुत स्ट्रगल भरी थी। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट करके। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बता दूं, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो कभी कभी मैं सब्सक्राइब ढंग से नहीं बोल पाती हूँ। तो आप लोग मेरे दिल की बात समझ जाया कीजिए, यही बहुत है। नमस्कार।